पति पत्नी का रिश्ता, जिसे बेहद पावन रिश्ता कहा जाता है। इस रिश्ते में सात वचनों को निभाने का वादा होता है, साथ में जीने मरने की कस्में होती हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का वादा भी होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पर एक चप्पल, जी हाँ, सिर्फ एक चप्पल ने एक युवक की मौत का राज खोल दिया। यहाँ पर आरोप है कि एक महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन हत्या की इस वारदात के दौरान हत्या में शामिल हत्यारा मृतक की चप्पल पहन गया और अपनी मौके पर छोड़कर चला गया। उसी चप्पल के सहारे पुलिस हत्यारे तक पहुंची, तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी का प्रेमी निकला, जिसने अपनी प्रेमिका के कहने पर ही उसके साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिए गए हैं। ये पुलिस और एसओजी के पहरे में खड़ी एक लड़की और उसके साथ उसका खड़ा प्रेमी मधुरपाल, दोनों लोनार थाने के भदना गांव के रहने वाले हैं। इस महिला के पति की मौत हुई, जिसके बाद जब तफ्तीश शुरू हुई तो तफ्तीश में निकल कर सामने आया कि उसकी जिंदगी को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला और उसका प्रेमी ही है। लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद हड़बड़ाहट इतनी तेज थी कि मृतक की चप्पल पहनकर कातिल चला गया और यहीं से सारा राज खुल गया। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ जानकारी दे रही, चलिए सुनवाते हैं आपको। थाना लोनार पर 12 तारीख को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति छटकन्नू, जिनकी उम्र 36 साल है, उनकी हत्या उनके खेत पर की गई है। पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में ये चीज आई कि एक चप्पल वहाँ बरामद हुआ जो न उसका था न उसके परिवारजन का था। इस क्लू के तहत हमारी एसओजी टीम और लोनार पुलिस आगे बढ़ी और इसका सफल अनावरण आज किया है। इस घटना में मृतक की बीवी और उसका एक दोस्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने लोहे की पाइप से सिर पर प्रहार करके उनकी हत्या की थी। वजह प्रेम संबंधों में पति बाधक बन रहा था और इसलिए उसको मारा गया। जरा सोच कर देखिए कि इस घटना के बाद में कितने सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में कब तक इस तरीके से हत्या के मामले सामने आते रहेंगे। और उससे बड़ा सवाल नहीं बल्कि एक सबक यहाँ पर मिलता है कि हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर कर देता है जिससे वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।